हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाउस एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स, जिनका भी सिलेक्शन आज हो गया है, जिन कट ऑफ मार्क्स आ गए हैं, जिनका भी कट ऑफ क्लियर हो गया है, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू देम। और जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, डोंट गेट डिसहार्टन, ठीक है? लाइफ बार बार हमें चांस देती है। अब ये नहीं होता कि सिर्फ यही पेपर रह गया, कितने सारे पेपर्स होते हैं, कितने सारे चांसेस होते हैं, और सबके लिए कोई ना कोई चीज बनी जरूर होती है, ठीक है? हर कोई कुछ ना कुछ कर लेता है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट पेपर्स के लिए तैयारी करो, ठीक है? लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बस करने वाले बनो और मेहनत करते रहो, ठीक है? सो आई वॉज टोल्ड बाय सर कि सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द एनालिसिस ऑफ CHSL 2019 एग्जाम दैट वॉज हेल्ड इन मार्च, यू नो दैट। तो जैसे आपको पता है कि मैं पहले आपको एक सीरीज जो है प्रोवाइड कर रही थी, वीडियोस प्रोवाइड कर रही थी CHSL के लिए, तो अब मैंने बीच में छोड़ दी थी। बट मैंने अब कोशिश करी है कि आपकी जो है, मैंने ये एनालिसिस जो है करके दिया है रीजनिंग का, तो जो भी क्वेश्चंस आए थे आपको उससे हिंट लग जाएगा कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपके CHSL में आ सकते हैं, उससे मिलते जुलते, ठीक है? आपको भी पता है कि करेक्ट एक्यूरेट नंबर्स, एक्यूरेट चीजें किसी के पास नहीं होती, सिर्फ जो बच्चे बोलते हैं उन्हीं के बेसिस पे जो है आपका ये जो बनता है एनालिसिस, उससे बनता है, ठीक है? तो अब मैंने उसमें क्या किया है, रीजनिंग में हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं, जहां से मुझे सोर्सेज मिले मैंने वहां से क्वेश्चंस ले लिए हैं आपके, और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हुए हैं, और उसी से मैचिंग जो है आपके क्वेश्चंस आगे भी बनेंगे, ठीक है? रीजनिंग सबको पता है इतनी टफ नहीं होती, तो इसलिए मैंने एक ही उसमें 17 से 19 मार्च को जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे, जितने मुझे मिले वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है? पैटर्न सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत बदल जाता है, इधर उधर नंबर चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जस्ट अ सेकेंड, या इफ अ फार्मर इज रिलेटेड टू फील्ड, देन द आर्टिस्ट इज रिलेटेड टू। अगर फार्मर जो है फील्ड से रिलेटेड है, तो आपका आर्टिस्ट किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, फार्मर फील्ड में, फार्मर कहाँ काम करता है? फील्ड में, है ना? देन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट जो है आपका, इट वर्क्स वेयर? इट वर्क्स इन अ, बताइए, आपको प्लेग्राउंड में वर्क करता है क्या, ये आपका रोड पे वर्क करता है, किसी कैफे में काम करता है, और थिएटर, बताइए मुझे, या फिर थिएटर, ये आपके कुछ इस तरीके से दे रखे थे ऑप्शंस। तो फार्मर पता है फील्ड में काम करता है, इसी तरीके से आर्टिस्ट जो होता है ना आपका, वो थिएटर में काम करता है। तो योर आंसर इज फोर्थ वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122, 145, 170, 197। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वी ऑल नो दैट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच, ठीक है? सो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस, अदरवाइज हमें क्या करना है, लेट्स सी कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब, ऑड इवन, ये सब कुछ तो नहीं लग रहा, प्लस माइनस करके कुछ तो नहीं लग रहा। तो बताइए मुझे 122, 145, 179, 197 किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास तो नहीं आ रहा। देखिए 122 जो है, 11 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 11 का स्क्वायर इज 121, ठीक है? अगर उसमें ऐड करा हुआ है आपका 1, दैट बिकम्स 122। 145, 12 का स्क्वायर मुझे बताइए कितना होता है, 144, अगर हम प्लस 1 कर देंगे इट बिकम्स 145। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 1 इज 170। तो हमें पैटर्न मिल गया है आपका कि स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, ठीक है? 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, सिमिलरली 14 का स्क्वायर प्लस 1 इज 197, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 1 इज 197। तो आगे जो क्वेश्चन है आपका, आगे आंसर विल बी 15 का स्क्वायर प्लस 1, 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 1 इज 226। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 126, 217, 344 डिफरेंस लेंगे या क्या करेंगे, बताइए मुझे। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कोई क्यूब के आसपास तो नहीं बन रहा है ये। 126, 217, 344, 126 5 का क्यूब मुझे ये बताइए, मुंह जुबानी याद होता है ये तो, 125 होता है, ठीक है? उसमें कितना ऐड किया हुआ है, प्लस 1 इज 126। अब मतलब बताइए 5, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 6 का क्यूब, सॉरी 6 का क्यूब होता है आपका 216, उसमें कितना ऐड करा हुआ है, प्लस 1 इज 217। तो आपको पैटर्न मिल गया होगा। अब सिमिलरली 7 का क्यूब कितना होता है,
चेक करना है सारे डिजिट का। 7 का स्क्वायर होता है 343, ठीक है, 343। इसमें 1 ऐड किया है एंड यू आर गेटिंग 344। अब ऐसे आगे क्या होगा, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, आगे होगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है आपका, 512 प्लस 1, 513 इज योर आंसर, ठीक है। 513 इज योर आंसर यू आर गेटिंग बाय क्यूबिंग एंड देन एडिंग, ओके। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पर मैं आपकी फिगर बना देती हूँ। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू 5, ठीक है, द नंबर ऑपोजिट टू 5 यू हैव टू फाइंड। इस तरीके से आपकी फिगर है, इट्स डाइस यू कैन से और अ क्यूब, राइट। 351, 243। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा। पहले तो आप ये देख लीजिए, 3 के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, 3 के ऑपोजिट कौन सा है। 3 के ऑपोजिट 5 नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट में आ गया, 3 के ऑपोजिट 1 नहीं आ सकता, ठीक है, एडजेसेंट में आ गया। 3 के ऑपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, फॉर श्योर श्योर 3 के ऑपोजिट आपका 6 है, ठीक है। तो 5 के ऑपोजिट या तो 4 होगा या फिर आपका 5 के ऑपोजिट 2 होगा। अब इसमें से कौन सा नंबर होगा तो ये देख लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपको एक कॉमन टर्म दे रखी हो तो आप उसके थ्रू उसको रोटेट कर दें क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है ना, उसकी तरफ रोटेट कर दें आप, और लिखिए क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद। जैसे हमने यहाँ से इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज अपने इस पासे को, तो वी विल गेट 3, 5 और 1, ठीक है। और यही सिमिलर कॉमन नंबर से आपको यहाँ रोटेट करना है क्लॉकवाइज, यू विल गेट 3, 2, 4। अब इसको नीचे लिख दें आप 3, 2 एंड 4। सो 3, 3 ये तो आपका हट गया, ठीक है। तो 5 के ऑपोजिट आपका 2 आएगा और 1 के ऑपोजिट आपका आएगा नंबर 4, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। नाउ द क्वेश्चन इज, ग्राउल, स्क्रीच, येल और फाउल। अब बताइए मुझे, ग्राउल, स्क्रीच, येल। येल तो आपने सबको सुनाओगे, ही इज येलिंग एट मी, वॉज येलिंग एट हर, येलिंग मतलब चिल्लाना चीखना। स्क्रीच, स्क्रीम, ये भी सिमिलर वर्ड्स है, चिल्लाना, ठीक है, शोर मचाना, स्क्रीच, स्क्रीम करना, बुरी तरह चिल्लाना। ग्राउल का मतलब भी यही होता है, बुरी तरह ग्राउलिंग, फ्राउनिंग, गुस्सा करना, चिल्लाना। लेकिन जो FOAL है, दैट इज, दिस इज बेबी हॉर्स, ठीक है, फॉल इज अ बेबी हॉर्स, तो योर ऑड वन आउट इज FOAL। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इरेज कर लेती हूँ, आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए, फिगर किस तरीके से बनेगी, मैं जल्दी से एक बार इसको इरेज करके फिर आपकी फिगर बना देती हूँ। इसमें कैसे फिगर बनेगी, आई होप सबने ऊपर वाला देख लिया होगा क्या सॉल्यूशन है सबका। चलिए अब बनाते हैं जल्दी से फिगर। जिसको भी मेरी वॉइस थोड़ी सी स्लो लगती है, आप उसको 1.5, 2, 2.5 पे कर लें तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता, एक यहाँ पर YouTube के नीचे ना स्पीड का भी ऑप्शन होता है, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं उसे। तो जिनको भी लगता है कि हाँ, मैं जब आपको लगता है कि ये डायग्राम बना रही हूँ तो उसमें आप स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये नहीं आप देखते रहें कि ये बन रहा है और आराम आराम से देख रहे हैं, नहीं, अपना स्पीड बढ़ा लीजिए करिए ताकि जल्दी से आगे फॉरवर्ड हो जाए। चलिए, ये आपका एक फिगर है, इसमें आपको बताने थे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं तो हम पहले छोटे ट्राइंगल्स काउंट कर लें, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 एंड 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 तो हमें दिख गए सामने सामने, ठीक है। अब पहले वाले इसमें देखते हैं क्या हमें और ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। देखिए, एक ट्राइंगल आपको ये दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक ट्राइंगल ये वाला हो गया आप हमारा, दो ये हो गए, अब यहाँ पर भी एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये हो गया आपका और एक ट्राइंगल ऊपर वाला हो गया। तो यहाँ पर 4 और 4, एक इसमें आपको 4 प्लस 4, यहाँ पर भी इसी तरीके से बनेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप मेरे पॉइंटर को देखते रहिए, ठीक है। एक ये हो गया, एक यहाँ पर नीचे हुआ, एक ऐसे हुआ, तो 4 प्लस 4 यहाँ बने। सिमिलरली यहाँ पर 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8,
24, ठीक है 24 तो हमें दिख गए, क्या सिर्फ यहाँ 24 ट्राइंगल्स हैं? योर आंसर इज 28, कैसे आएंगे चार अब हमें कहाँ से मिले? देखिए यहाँ पर ही हो गया, क्या आपको ये एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है? मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ये दिख जाए कि मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। देखिए ये है आपका एक और बड़ा सा ट्राइंगल, देखिए यहाँ से एक, ठीक है वन, ये एक और ट्राइंगल है आपका, दिस इज द सेकेंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल। ओके 24 + 2 तो हो गए हमारे 26 बन गए, अब बाकी दो कहाँ से आएंगे? एक यहाँ पर ट्राइंगल देखो, एक ये बन रहा, ठीक है दिख गया, और एक ये बना, तो ये +2, 28 इज योर आंसर। चलिए एनालॉगी का क्वेश्चन है नीचे, एनालॉगी से 6:35, 7:what? 6:35 देन 7:what? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए 6 से 35 बना कैसे? बहुत सारे इसमें मेथड्स होते हैं 6 से 35 से, जैसे कि कुछ लोगों ने सोचा होगा 6 × 5 30 होता है, प्लस में 5 अगर करें, आई एम सॉरी +10 करें तो ये आ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, प्लस में 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 45 का आंसर में है, नहीं है ऑप्शंस में नहीं है। एक आपको लग रहा होगा अगर हम 6 का स्क्वायर कर लें, 6 का स्क्वायर इज 36, अगर उसमें हम -1 करें तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 7 के साथ भी यही चीज फॉलो करते हैं तो 7 का स्क्वायर इज 49, -1 करेंगे 48, क्या आपके ऑप्शन में है? बिल्कुल है, 48 विल बी योर आंसर। ठीक है अब सिलोजिज्म का क्वेश्चन है आपका, सिलोजिज्म क्या बोलता है आपका? इट सेज सम पेपर आर इंक, सम पेपर आर इंक दैट मीन्स हम यहाँ पेपर बना लेंगे, ठीक है PA स्टैंड फॉर पेपर, सम पेपर्स आर इंक, कुछ पेपर जो है वो इंक है, ठीक है कुछ पेपर इंक है, सम पेन आर इंक, सम पेन, कुछ पेन जो है वो भी इंक है, यहाँ बन गया कुछ पेन जो है इंक है। अब मैं आपको यहाँ सिंगल डायग्राम से बना रही हूँ, जब मैं पढ़ाती हूँ इसको, ठीक है सिलोजिज्म को मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं यहाँ दो डायग्राम्स लेके बताती हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंगल डायग्राम से बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कैसे यहाँ पर आंसर आएगा। चलो सम पेन आर पेपर, कुछ पेन पेपर हैं, ठीक है क्या कुछ पेन पेपर हैं? क्या पेन और पेपर का डायरेक्ट रिलेशन है इसमें? नहीं, पेपर का इंक से हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन है, कुछ पेपर इंक है, कुछ पेन भी इंक है, लेकिन हमें नहीं पता कि पेन पेपर है या नहीं, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स योर कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं होगा, ऑल इंक आर पेन, ठीक है ऑल इंक आर पेन। अब हमें ये पता है कुछ इंक पेन है, लेकिन ये थोड़ी कहा है उसमें ऑल इंक आर पेन, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, दैट मीन्स नन ऑफ द कंक्लूजन विल फॉलो, ठीक है नन फॉलोज विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको फाइंड करना था, धर्मशाला दे रखा था, शिमला, लद्दाख और गैंगटॉक, बताइए मुझे जल्दी से ऑड वन आउट कैसे निकालेंगे आप? देहरादून, शिमला, लद्दाख और गैंगटॉक में देखिए जो ये देहरादून है, शिमला है, गैंगटॉक है, ये सब कैपिटल सिटीज हैं, ठीक है लेकिन आपकी लद्दाख जो है ना ये कैपिटल सिटी नहीं है, तो देहरादून किसकी कैपिटल है? उत्तराखंड की, ठीक है इट्स द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, लद्दाख किसी की कैपिटल नहीं है, गैंगटॉक है आपके सिक्किम की कैपिटल, ठीक है तो ऑल दीज आर कैपिटल सिटीज एंड लद्दाख इज द ऑड वन आउट। फिर से आगे एनालॉजी आपका, वर्क इज रिलेटेड टू जूल, सिमिलरली पावर इज रिलेटेड टू व्हाट, व्हाट दिस इज WATT, WATT ये एक यूनिट है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ WHAT, व्हाट, ठीक है वर्क जूल है, वर्क इज रिलेटेड टू जूल मतलब जो एक काम है ना, काम करने की यूनिट को बोलते हैं हम जूल, ठीक है इसकी द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, सिमिलरली यूनिट ऑफ पावर इज WAT, व्हाट, ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज योर नंबर सीरीज एंड योर नंबर सीरीज इज 3, 15, 6, 18, 9, 21, 12, 24। चलिए अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, अब हमने ये देख लिया क्या ये स्क्वायर या क्यूब या कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है स्क्वायर या क्यूब के आसपास नहीं दिख रहा। वैसे तो देखो 3, 2 का स्क्वायर - 1 इज 3, 4, 4 जो 16, पहले हम ऐसे भी कर लेते हैं, अगर मैं वो सारी पॉसिबिलिटीज दे रही हूँ जो आपके मन में आ सकती हैं पेपर में, ठीक है
अदरवाइज आंसर कैसे आना है वो मैं आपको बताऊंगी। किसी ने सोचा होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज 3, ठीक है। जिसने सबसे पहले जिसके मन में आया होगा कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 4 16 माइनस 1 इज 15। फिर 6 जो है, 6 में अटक गए आप, ठीक है। 6 किसी के भी स्क्वायर के आसपास नहीं आ रहा, ना ही +1 -1 करने से आ रहा, बट फिर भी हम देखते हैं कि अगर +2 करने से हो जाए, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, या फिर 2 2 4, 2 का स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या क्या ये 4 का क्यूब से कुछ आ रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 16 17 18, 4 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये भी बन रहा है हमारा। अब क्या है यहाँ पर, 9 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो है आपने जिसने भी सोचा ये, तो ये हमारा नहीं लगेगा। चलिए अब और आपको क्या चीज दिख रही होगी इसमें, कि आपको ऑल्टरनेटिंग पैटर्न दिख रहा है, ऑल्टरनेटिंग से भी आ सकता है, लेकिन अगर आप इसमें डिफरेंस भी निकालेंगे ना, तो भी आपका आ जाएगा +9 करके कुछ आएगा, +9 -9, कुछ इस तरीके से करके भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सबसे सिंपल अगर आपको ऑल्टरनेटिंग नंबर दिख रहे होंगे, ये देखिए ये ऑल्टरनेटिंग नंबर है। जब आपको इस तरीके का पैटर्न दिखे ना, कि पहले कम है, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा बढ़ रहा है, फिर कम है, फिर ज्यादा हो रहा है, कोशिश करिए कि आप एक बार ऑल्टरनेटिंग नंबर से चेक कर लें कि ठीक है हमारा ऑल्टरनेटिंग नंबर है 3 6 9 12। अगर 3 में +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में +3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में +3 करा आपने 12 आ गया, 12 + 3 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 इज योर आंसर। अगर ये ऑप्शन में हुआ तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर 15 नहीं है, तो आप उसमें एड इन दोनों का, इन सब का डिफरेंस लेके फिर आप आंसर निकाल लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 15 35 65 एंड 1 55, 5 15 35, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, 5 15 35 65 105। सबसे पहले ये देखो स्क्वायर या क्यूब के आसपास +-1 +-2 +-3 कुछ बन रहा है, ऑड इवन का कुछ चक्कर चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है कि आपका ये सिर्फ वो वाले नंबर हो, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स हो, या फिर जो अपने आप से ही डिवाइड हो, ठीक है, जिनका कोई भी फैक्टर नहीं है, इस टाइप का कुछ नंबर बन रहा है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस लेके देख लें एक बार, डिफरेंस ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा दूरी पे नंबर्स नहीं है। 5 में अगर +10 करेंगे तो 15 आएगा, 15 में अगर +20 करेंगे तो 35 आएगा, 35 में अगर कितना ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो आपका 65 आएगा, 65 में अगर हम 40 ऐड करेंगे तो आपका 105 आएगा, है ना। तो आपको पैटर्न मिल गया है, +10 +20 +30 +40, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 105 + 50, दैट इज 155 इज योर आंसर। चलिए जल्दी से नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका ब्रेड मीट पटाटो, इसका आपको जो है वेन डायग्राम दिए हुए थे 3, उसमें से आपको बताना था। यहाँ पर मैं वेन डायग्राम बना देती हूँ, जल्दी से बताइए कौन सा वेन डायग्राम ठीक होगा। BMP, ठीक है, BMP स्टैंड फॉर ब्रेड मीट एंड पटेटो, BMP ब्रेड मीट एंड पटेटो, बताइए जल्दी से आप इन दोनों में से मुझे बता दीजिए कौन सा डायग्राम सही होगा, क्योंकि जो जिनको आता है वो इस दो में से बता देंगे, जिनको नहीं आता 4 में से भी नहीं बता पाएंगे। देखिए योर आंसर विल बी BMP, ये जो तीनों अलग अलग डायग्राम्स बन रहे हैं, क्यों, ना तो ब्रेड मीट से कोई रिलेशन है, ना ही मीट का पटेटो से रिलेशन है, ठीक है। तो हमारा तीनों ही चीजें ये अलग अलग है, इसलिए हमारे 3 अलग अलग वेन डायग्राम्स जो है यहाँ पर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर आ गया सिलोजन पे, फिर अब ये क्या है, ऑल फ्रूट्स आर रूट, सभी फ्रूट जो है वो रूट हैं, ठीक है, बनाया हमने वेन डायग्राम, ऑल फ्रूट्स आर रूट्स, ठीक है, सभी फ्रूट रूट है, नो वुड इज फ्रूट, कोई भी वुड जो है ना वो फ्रूट नहीं है, कोई भी वुड, मैं यहाँ पर वुड WOOD WOOD नहीं लिख रही, सिर्फ W लिख रही हूँ, तो कोई भी वुड फ्रूट नहीं है। तो जब कोई भी वुड फ्रूट नहीं है तो कोई भी फ्रूट भी वुड नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। सिलोजिज्म पढ़ना हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कुछ नंबर सीरीज पढ़नी हो वो भी मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन इतना दे दीजिएगा कि जितना हम करा पाए, ठीक है, उतना आप सर को मैसेज कर देना, आप लोगों की सर से बात होती है तो आप उनको बता दें कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, वो आपको पढ़वा दिया जाएगा। चलिए अब आपके कॉन्क्लूजन क्या कह रहे हैं, सम रूट्स आर फ्रूट, कुछ रूट्स फ्रूट हैं, देखिए जब कुछ सारे फ्रूट्स रूट हैं
तो कुछ रूट्स भी फ्रूट हैं, तो ये वाला तो कंक्लूजन हो गया सही, ठीक है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट कंक्लूजन इज नो फ्रूट इज रूट, नो फ्रूट इज रूट। जब ये आ गया कि सभी फ्रूट रूट हैं, तो यहाँ पर नो फ्रूट इज रूट का क्या मतलब है ना, तो ये कंक्लूजन नहीं, तो योर आंसर विल बी ओनली वन विल फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सम ऑफ एजेस ऑफ मदर सन एंड डॉटर आर 45, सम ऑफ एजेस आफ्टर द 5 ईयर्स। मतलब देखिए, डॉटर की, उसकी मदर की और एक बेटे की, ठीक है, डीएमएस से मैं कर रही हूँ उसको, इन सब की एज है 45। 5 साल बाद इन सब की सम कितना हो जाएगा एजेस का। सम में आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, जो भी थे तो वो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको टिक करना है। तो देखिए, डॉटर की भी 5 साल बढ़ेगी, मम्मी की भी 5 साल बढ़ेगी, और सन की भी जो है 5 साल एज बढ़ेगी, +5 +5 +5, तो टोटल जो है 15 साल बढ़ेंगे। तो 45 में आपको 15 ऐड कर देना है, एंड योर आंसर विल बी 60, 60 विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए अभी आ जाएंगे हम यहाँ पर, ऑपरेशन इज कोडेड एज, कोडेड डी कोडेड आपको करना है। चलो यहाँ लिख दो आप ऑपरेशन, ऑपरेशन किस तरीके से कोडेड है आपका, एन क्यू डी एस जेड यू एच पी एम, ये ऑपरेशन कोडेड है, एन क्यू डी जेड एस यू एच पी एम, ठीक है। अब आपका गारंटी जो है, गारंटी किस तरीके से कोडेड होगा, जी यू ए आर ए एन टी डबल ई, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करो, मैं फिर से बोलूंगी आपको, ठीक है। अब ये किस तरीके से कोडेड होगा मुझे ये बताइए, ओ से एन बना, पी से क्यू बना, डी से ई बना, आर से एस बना, ए से जेड बना। देखिए कोडेड डिकोडिंग की मुझे आप बता दीजिएगा क्लास लेनी हो तो, इस पे स्पेशल क्लास में लूंगी और आपको सारे पैटर्न कराए जाएंगे उसमें कि कौन कौन से पैटर्न जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एन से ओ बना, अगर ओ में हम एन में +1 कर देंगे तो ओ आ जाएगा, पी +1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डी +1 करेंगे तो ई आ जाएगा। इस तरीके से आप एरो मार्क करते रहिएगा, ठीक है। नीचे मतलब पी से नीचे +1, एन से +1 करना है तो ऊपर कर लो, ठीक है। आर +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, जेड में +1 करेंगे तो ए आ जाएगा, टी में +1 करेंगे तो यू आएगा, एच में +1 करेंगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पैटर्न मिल गया ऑल्टरनेट सीरीज का, ++1 प्लस माइनस हो रहा है, या फिर नीचे से ऊपर प्लस कर दो और ऊपर से नीचे प्लस कर दो, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम गारंटी का कोड लिखना चाहें, गारंटी का कोड अगर हमें लिखना है तो गारंटी का कोड कैसा बनेगा आपका, एन से ओ बना तो एफ अगर हम +1 करेंगे तो एफ से जी बन जाएगा। अब यहाँ से देखो एरो नीचे आ रहा है तो यू में +1 करेंगे तब भी आएगा, यहाँ से ऊपर एरो जा रहा है तो जेड +1 करेंगे तो ए आ जाएगा, आर +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, जेड +1 करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। एन +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा, एस +1 करेंगे टी आ जाएगा, ई +1 एफ, ठीक है, डी +1 इजी। तो ये आपका कोड दे रखा होगा आपको ऑप्शंस में, तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिलर सीरीज है आपकी, ठीक है, फिलर सीरीज है आपकी। आप देखिए ऐसे सीरीज में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये काउंट कर लीजिए कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 18 आपका बन रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती है आपकी, 18 नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। चलिए अगर आपका 18 बन रहा है तो 18 को आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं, 3 5 3 6 18, ठीक है, 3 6 18 होता है, या फिर 6 3 18, या तो इसको 3 3 के पार्ट्स में तोड़ लो, ठीक है। 3 3 के पार्ट्स में कैसे तोड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, एक ही वाला मैं, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से टूट जाएगा। अब क्या कोई हम इस तरीके का पैटर्न कर सकते हैं, ई ई ई डैश जी डैश ई एफ, एफ डैश एफ जी डैश डैश ई, तो हमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। या फिर आप इस तरीके से तोड़ के देख लीजिए इसको,
सिक्स का पैटर्न कर लीजिए, है ना। सिक्स का करके देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच, तो ये 19 का बन रहा है, हमारा कुछ गलती हुई है, 19 का बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम आप इसमें क्या करेंगे, पैटर्न बनेगा ई एफ जी, ई एफ एफ जी जी, एफ 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 जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है मिस्टेक है, तो यहाँ से आप ठीक कर लें, आंसर आपका इस तरीके से बनेगा। मैंने कहा था आपको 19 थे इसमें, तो ये मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, यहाँ पर 19 थे, 18 नहीं थे, और अगर 18 भी थे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 19 होने चाहिए तब जाके आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोशन इज अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, 10 साल का बच्चा है रोशन। इफ हिज मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, इसकी जो मम्मा है रोशन की वो 20 साल बड़ी है, तो 10 में 20 ऐड कर देंगे तो 30 साल की मम्मी हुई, ठीक है। एंड हिज फादर इज 6 ईयर्स एल्डर टू हिज मदर, जो इसके फादर हैं रोशन के वो इसकी मम्मी से 6 साल बड़े हैं, अगर इसकी मम्मी से 6 साल बड़े हैं तो 30 में 6 ऐड करेंगे, 36 साल के फादर हो गए, ठीक है। एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर पूछी गई है तो ये है 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। एनालॉगी का क्वेश्चन है, चेयर इज टू फर्नीचर स्टेशनरी इज टू, चेयर फर्नीचर है तो स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी चेयर फर्नीचर में आती है तो ठीक है, तो फर्नीचर जो जो फिर है आगे ब्लैंक है, ब्लैंक इज टू स्टेशनरी है, तो ये है चेयर। देखिए आपको पता है फर्नीचर में आपका टेबल चेयर ये सब आता है, तो ये तो हो गया फर्नीचर, चेयर एक फर्नीचर है। तो यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शंस में दिया गया था, पेन यूटेंसिल पेपर और आपको दिया गया था लेटर, ठीक है। इसमें से कौन सी चीज जो है स्टेशनरी है, तो आपको पता है जो पेन पेंसिल प्रकार ये सब स्केल फुट्टे सब कुछ जो आपका स्टेशनरी में आता है, तो पेन विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ गर्ल सेड टू अ बॉय द पर्सन इन फोटोग्राफ इज योर मदर्स ओनली डॉटर, एक फोटोग्राफ दे रखी है, ठीक है, एक फोटोग्राफ लगी हुई है दीवार पे, उसमें कोई आदमी या औरत है, ठीक है, उस औरत को देख के एक लड़की एक लड़के से बोलती है कि ये जो पर्सन है फोटोग्राफ में ये आपकी मम्मी का, ठीक है, एक गर्ल है, ये बॉय से बोलती है ये आपकी मम्मी की ओनली डॉटर है, मतलब बॉय की मदर जो है कि ओनली डॉटर, डॉटर है ये, अकेली डॉटर है, ठीक है, बॉय तो बॉय हो गया, ठीक है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो ये अगर ओनली डॉटर है तो ये इसकी क्या लगी, फोटोग्राफ में जो लड़की है ये क्या लगी, ये लगी लड़के की बहन, ठीक है, सिस्टर। तो यही क्वेश्चन है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, बी डजन हैव अ सिस्टर, ये सारा फिर से वही आ गया, बी डजन हैव अ सिस्टर, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, देखिए यहां पर आप सबसे पहले बना लीजिए बी, बी की कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है, बी की कोई सिस्टर नहीं है, तो ब्रदर हो सकता है पर सिस्टर नहीं होगी, ठीक है। डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ बी, जो डी है वो ओनली ब्रदर है बी का, ठीक है, एक उसमें लाइन में लिख लो आप। अब क्या बोलता है, एफ इज फादर ऑफ बी, जो एफ है ये फादर है बी का, ठीक है, फादर के लिए मैं प्लस डिनोट कर रही हूँ, मम्मी के लिए माइनस करूंगी, तो आप समझ जाना एफ फादर है बी का, तो ये डी का भी फादर हुआ, ठीक है, डी का भी फादर हुआ। अब क्या बोलते हैं, के इज वाइफ ऑफ एफ, के एफ की वाइफ है, के जो है एफ की वाइफ है, मदर के लिए माइनस, तो अगर ये फादर इसका एफ जो है बी का फादर है और के एफ की वाइफ है तो ये बी की मदर हो गई, है ना, ये बी की मदर हो गई, सिमिलरली डी की भी मदर ये हो गई, ठीक है, के जो है बी और डी की मदर हो गई। अब क्या लिखा हुआ है आपका, डी ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ए सिस्टर इन लॉ है बी की, मतलब जो ए है ना ये डी की वाइफ है, डी की वाइफ है ए, तभी ये बी की जो है सिस्टर इन लॉ हो गई। अब क्या पूछा है इसमें, हाउ इज के रिलेटेड टू, के रिलेटेड टू ए बोला है तो के जो क्या हो गई इसकी मदर इन लॉ, ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, अब के कैसे रिलेटेड है ए से, मदर इन लॉ है के ए की। अगर आपसे बोला गया होता ना यहाँ पर हाउ इज ए रिलेटेड टू के, तो
ए के से किस तरीके से रिलेटेड है, तो ए जो है वो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, तो ऑप्शन में डॉटर इन लॉ मार्क करते हैं, पर यहाँ पर के पूछा गया, के का संबंध ए से पूछा गया है, तो के जो है वो मदर इन लॉ है और ए डॉटर इन लॉ है। अगर ए का संबंध पूछा जाता के से, पहले ए आता तो उसमें डॉटर इन लॉ होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका टू, ये है आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज कहती है आपकी 2, 8, 18, 32, 50, 2, 8, 18, 32 और 50। जल्दी बताइए कैसे होगा ये क्वेश्चन। 2, 8, 18, 32 एंड 50। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर या क्यूब के आसपास का कुछ है, कुछ ऐसा बन रहा है ऑड इवन प्राइम नंबर, कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18, बताइए जरा। 18 प्लस डैश इज 32, बताइए। 18 प्लस 14 इज 32, ठीक है। 32 प्लस 16, आई एम सॉरी, 18 इज 50। तो कैसे हो रहा है इंक्रीज, 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 4 ऐड किया 18, 18 में 4 ऐड करोगे कितना बनेगा 22, तो इसमें ऐड करोगे कितना 22, ठीक है, और वहां पर आपका आंसर आ जाएगा +22। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनालॉगी रिलेटेड नंबर आपका है, ठीक है, एनालॉगी रिलेटेड नंबर है आपका 9:121, ठीक है, 7:what, 9 तो 121 से रिलेटेड है, 7 किस तरीके से रिलेटेड है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा ना इसमें, कि ये तो 3 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है, बट क्या यहाँ पर 7 किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो मेथड अप्लाई नहीं होगा, राइट। सो हमें आप कुछ और सोचना पड़ेगा कि क्या किसी और चीज से बन सकता है। देखिए 9 में अगर हम, आपको पता है 9 में अगर हम 2 ऐड करते हो 11 बनेगा, 11 का स्क्वायर अगर आप करोगे आपका हो जाएगा 121। सिमिलरली अगर 7 में अगर आप 2 ऐड करके देखो, ये मेथड यहाँ पर 7 के साथ लगाओ, 7 में 2 ऐड करोगे 9, 9 9 जा 81, और 9 का स्क्वायर करोगे 81, तो अगर अगर 81 जो आपके ऑप्शन में होगा, वैसे तो ऑप्शन में था 81, अगर 81 ऑप्शन में हुआ तो दिस विल बी योर आंसर, अगर नहीं हुआ तो आप कुछ और सोचेंगे, ठीक है, तो कुछ और मेथड लगेगा इसमें, पर फिलहाल 81 आंसर था आपका, तो ये आंसर जो है, ये लॉजिक जो है ये लगना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एनालॉगी का फिर से क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया था सारे मिक्स्ड हैं ये क्वेश्चन, तो क्या है, चेयर फर्नीचर लेटर, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये मैंने दोबारा कर दिया है, तो ये वाला ऑलरेडी हमने कर लिया है, और यहाँ पर लेटर नहीं था, यहाँ पर था पेन, ठीक है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 13, 18, 28, 48, 13, 18, 28 और 48, क्या करना है आपको, स्क्वायर क्यूब प्राइम ये सब लगा के देख लीजिए, प्लस माइनस कुछ। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ठीक है, 13 प्लस 5 अगर करेंगे तो 18 आएगा आपका, ठीक है, 18 प्लस 10 करेंगे तो 28 आएगा, 28 प्लस में 20 करेंगे तो 40 आएगा। अब आपने क्या देखा, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 2 इज 20, तो 20 इंटू 2 इज 40, ठीक है, तो 48 प्लस 40 विल बी योर आंसर, एंड दैट इज 88 इज योर आंसर। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका। अब कहता है कट इज इक्वल टू 52, ठीक है, स्टार इज इक्वल टू 56, हाउ वुड यू कोड पेन। अब कट 42 कैसे बना, देखिए ये हम करते हैं प्लेस वैल्यू से। पहली चीज आप यहाँ पर एक चीज याद रखिए, इजोटी याद रखो, इजोटी, ठीक है, इजोटी मतलब ई जो है अल्फाबेटिकल, आपके कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26, 26 में जो ई है वो फिफ्थ अल्फाबेट होता है आपका, ठीक है, ऐसे ही जे जो होता है आपका वो 10th होता है, ओ जो होता है, ठीक है, ओ जो होता है इजो में वो 15 होता है, टी 20th प्लेस पे आता है, और वाई जो होता है वो आता है 25th प्लेस पे, राइट। अब सी जो है, सी यू टी इज 42, सी कितने, सी का क्या होती है प्लेस वैल्यू 3, ठीक है, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताइए, यू की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 21, और टी की होती है 20। अब 20, 21 और 3 ऐड करो जरा, 4, 4, ठीक है, 44 आया। अब 44 तो यहाँ पर दे नहीं रखा, यहाँ पर 44 तो दे नहीं रखा, तो -2 दे रखा है, ये आ गया 42। सिमिलरली स्टार का करो, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 19, टी की कितनी होती है 20, ए की होती है आपकी 1,
और आर की होती है आपकी 18, ठीक है, प्लेस वैल्यू इन सबको ऐड करो, ऐड करके आपका आंसर आएगा 58। 58 दे रखा है या नहीं दे रखा, तो 58 माइनस में 2 दे रखा है, दैट इज 56, और आगे क्या था, 42 था टोटल, ऐड करके माइनस 2 कर रखा है। अब ऐसे ही आपको पेन के लिए कोड करना है, जो पेन है आपका पी, ये कितना होता है आपका बताइए जल्दी से, बताइए। अब इजोटी करके देख लीजिए आप, जो पेन है आपका ना वो आपका आ जाएगा, कौन सी प्लेस वैल्यू होगी, 16, ठीक है, ई 5, एन आपका आ जाएगा 6, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। तो आपको ये ऐड करके आप देख लीजिएगा, माइनस 2 कर दें तो वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एनालॉगी रिलेटेड नंबर, फिर से एनालॉगी आ गई है आपकी, ये है आपका 9:121, तो हमने ये कर लिया था, 9 + 2 करा था हमने, 11, 11 का स्क्वायर ये 7 + 2, तो ये जो है ये आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। चलो इसको भी कैंसिल करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 13, 18, 28, 48, 13, 18, 28, 48, ये भी मेरे ख्याल से हमारा रिपीट हो गया है, तो ये यहाँ से भी आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेके देख लो कितना आएगा, +5, ठीक है, +5 + 10, +5 + 10, ठीक है, 20, तो यहाँ पर +40 हो जाएगा, +40 करके आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अब रिलेटेड नंबर पेयर आपका आया है, तो 23:120, तो इसमें से क्या जो है ऑप्शन होगा आपका, 23:120, तो डैश क्वेश्चन मार्क डैश, अब 23 और 120 से रिलेशन कैसे बनाया है इन्होंने, मुझे ये बताओ, 23 × 5 +5 होता है आपका 120, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखो, क्या 15 × 5 +5 कुछ बन रहा है, बताओ मुझे, 15 × 5 +5 क्या कुछ बन रहा है, देख के बताइएगा। अब यहाँ पर क्या है, 23 × 5 +5 है, ठीक है, अब ये आ गया आपको 120, सिमिलरली 15 × 5 कितना होता है आपका, 75 +5 नहीं होगा, 45 × 5 कितना होता है बताओ जल्दी से, 45 × 5 होता है आपका, हाँ जी, 225 +5 = 230, तो ये आ गया आपका आंसर, 45 × 5 +5, यहाँ से आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एनलॉगी का वर्ड है आपका काउ इज टू स्टेबल, आउल इज टू व्हाट, काउ तो स्टेबल में रहती है, आउल कहाँ रहता है बताइए, स्टेबल क्या होता है बताए, तबेला, तबेला होता है स्टेबल, अब काउ जो है वो तो तबेले में रहती है, जो आपका आउल है ना वो रहता है आपका बार्न में, ठीक है, BARN, पीहन भी नहीं, मेयर डॉग हॉर्स से मेयर बनता है, फीमेल ऑफ हॉर्स, डॉग की फीमेल बिच है, और पीकॉक की पीहन है, बार्न होता है आउल के रहने की जगह, बी से बार्न, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिसिंग सीरीज का नंबर है, ये है आपका 26, 4, 6, 25, 7, 1, 5, 3, ये क्वेश्चन मार्क कैसे आया, ये जल्दी से बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे बन सकता है ये, इसमें क्या लॉजिक लगेगा, देखिए 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 6 का स्क्वायर होता है 36, कितना आया 12, 3, 4, 5, 52, अब 52 और 26 कैसे आएगा, 26 52/2 कर दोगे ना अगर आप, तो आ जाएगा आपका 26, अब क्या ये लॉजिक यहाँ लग रहा है आपका, यहाँ देखो क्या ये लॉजिक यहाँ लगेगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो आंसर आया 50, 50 आया,
बाय टू करेंगे तो कितना होगा, 25, 25 यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 5 25, 3 3 9, 25 प्लस 9 करना है आपने, कितना आ गया, 34, 34 बाय टू कितना आता है, 17, 17 आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, 17 विल बी योर आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ लॉजिकल वेन डायग्राम। एंड आपको डायग्राम्स दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था इसमें कौन सा डायग्राम करेक्ट है। टॉर्टोइज एम्फीबियन मैमल्स, ठीक है। टॉर्टोइज क्या होता है, कछुआ। एम्फीबियन होते हैं आपके जो पानी में भी रह सकते हैं और आपके उसमें भी रह सकते हैं, धरती पे भी रह सकते हैं, ठीक है, वो एम्फीबियंस होते हैं। और आपके आगे मैमल्स, मैमल्स ठीक है, और एक था आपका मैमल। अब टॉर्टोइज जो है वो मैमल तो है नहीं, लेकिन एम्फीबियन जरूर है क्योंकि टॉर्टोइज जो है वो पानी में भी रहता है और इसमें भी, तो कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम दिखता होगा उसमें, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको ऑड वन आउट सिलेक्ट करना था, 2 5 1 4, 1 4 2 8, 3 1 2 3 एंड 2 6 5 8। आप किस तरीके से आप ऑड वन आउट करोगे, या तो इसमें देखो कि या तो ये किसी का स्क्वायर या क्यूब कुछ बन रहा हो उससे नहीं आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये उससे, तो ये लॉजिक अब यहाँ पर क्या लग सकता है, यहाँ ये ऐसा भी लॉजिक हम लगा के देख सकते हैं, क्या पता डिजिट जो ऑल्टरनेटिंग डिजिट है या किसी का प्लस माइनस करने से कुछ सेम आ रहा हो, इसमें सेम पैटर्न मिल रहा हो, 2 -1 1 4, 5 -4 -1, 1 -2 -1 4 -, इससे भी नहीं होगा, 2 + 5 + 1 + 4 ऐड करके देखिए क्या ये बराबर आ रहे हैं, ये देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बना, 4 5 6 7 ये 15 बना, बट यहाँ से भी इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी इक्वल नहीं आ रहे, तो प्लस का भी लॉजिक नहीं लगेगा। बेसिकली इसमें क्या लॉजिक लगना था ना, कि 2 + 5 कितना होता है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यहाँ पर 12 आया, 8 9 10 14 15 यहाँ 15 आया था, 3 6 7 8 9 यहाँ पर भी 9 आया था, यहाँ 15 आया था, और यहाँ पर आया था आपका 8 9 10 8 9 10 16 17 22, ठीक है। यहाँ कुछ इस तरीके का लॉजिक था, जो सम ऑफ डिजिट थी वो आपकी इवन नंबर की बन रही थी, वो वाला लॉजिक था इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैंने ये वाले जो नंबर्स हैं वो सही लिखे हैं तो ये आएगा 21, ठीक है, 21 इसका आ रहा था, ये 9 आ रहा था, 15 आ रहा था, तो 12 ये इनका सम ऑफ डिजिट था इवन, तो इस तरीके के लॉजिक आ जाते हैं कई बार पेपर में, पकड़ना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है आपका। आगे क्वेश्चन फिर आ गया सीरीज पे, ठीक है, कंप्लीट सीरीज जो है आपकी आ गई है, तो देखते हैं किस तरीके से होगा ये, इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे, गिन लेते हैं कितने नंबर जो लेटर्स ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब यहाँ पर 15 है, 3 5 15 कर दें, या फिर हम 5 3 15 कर दें, पहले यहाँ पर एक बार ऐसे करके देखते हैं, बताइए जल्दी से, 3 3 में डिवाइड कर दो तो कैसे होगा, जेड डैश एन, ये 3 में डिवाइड होगा, एन ओ डैश यहाँ पर डिवाइड हुआ, डैश एन एन ठीक है, यहाँ पर हुआ ओ डैश जेड, ये डिवाइड हुआ डैश एन ओ, फिर हमने क्या करना है इसमें रख के देखो क्या हमें पैटर्न कुछ मिल रहा है, जेड अगर हम यहाँ पर ओ रख देंगे, जेड ओ एन एन ओ जेड डैश एन एन डैश ओ जेड डैश एन ओ, बिल्कुल अलग अलग है, तो अब हम ये वाला 3 वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, अब हम 5 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, 5 में कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है, 5 में टूट गया ये इसको रेज करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम कैसे लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, ये यह इरेज ही कर देती हूँ मैं उसको ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ से, चलिए यहाँ से हमने इसको इरेज कर लिया, आप इसको 5 5 में डिवाइड करके देखते हैं कि 5 5 में डिवाइड करने से क्या हमारा कुछ आ रहा है इसमें, चलो 5 में डिवाइड करके देखते हैं, अब क्या करो 5 5 नंबर्स में यहाँ डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, फिफ्थ के बाद एक यहाँ पर स्लैश डालो, 1 2 3 4 5 स्लैश डालो, 1 2 3 4 5, ठीक है,
अब हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, जेड डैश एन एन ओ हमें लास्ट में दिख गया, यहाँ पर भी एन एन ओ है। अगर हम यहाँ पर एन लगा दे तो हमारे ये वाला पैटर्न तो बन गया एन एन ओ एन एन ओ एन एन ओ। पहले जेड है तो क्या हम यहाँ जेड लगा सकते हैं, यहाँ हमने लगा दिया जेड। अब हमने क्या रखा, दूसरे नंबर पर जेड है, अगर हम यहाँ पर जेड लगा दे, यहाँ जेड लगा दे, क्या हमारा पैटर्न बना, बिल्कुल बन गया जेड जेड एन एन ओ जेड जेड एन एन ओ जेड जेड एन एन ओ, ये हमारा बन गया पैटर्न। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो योर आंसर इज ट्रिपल जेड, 4 टाइम्स जेड एंड एन। ठीक है, आंसर इज 4 टाइम्स जेड एंड एन, ये आपका बन गया पैटर्न। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यू हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। इसमें क्या दे रखे ऑप्शंस में, 197 से बना 791, 548:845, 246:462। कैसे आया ये 197 से 791? 7 पहले लास्ट डिजिट लिखी गई है, फिर सेकंड लास्ट, फिर फर्स्ट डिजिट। ठीक है, 7, 9 और 1, फिर लास्ट डिजिट, फिर सेकंड लास्ट और फिर पहली डिजिट, तो 845। यहाँ पर पहली लास्ट आनी चाहिए थी, फिर सेकंड लास्ट, फिर ये पर पहले, इसके बाद हम ये वाले भी चेक करते हैं, लास्ट आई है फिर सेकंड लास्ट, तो ये वाला जो है हमारा ये ऑड वन आउट है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट और सेकंड डिजिट ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन। मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, ये बोलता है आपका 5, 5 और 123, 7, 3, 3, 40, 13-2, 184। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, देखो लॉजिक यहाँ आपका लगा है 5 का क्यूब माइनस 5। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 इज 120। अब आप ये देखेंगे कि आप क्या ये लॉजिक यहाँ पर भी लग रहा है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 343 में माइनस में अगर हमने 3 करा, मतलब 5 का क्यूब माइनस में 5, इसका क्यूब हुआ है माइनस में ये वाला नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर, 7 का क्यूब माइनस में ये इज इक्वल टू दिस, 13 का क्यूब माइनस में ये, 13 का क्यूब माइनस में एक्स इज इक्वल टू 2184। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 13 का क्यूब माइनस में, अगर आप 13 करेंगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा 2184। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है आपको नंबर ऑफ, इसमें ट्राइंगल्स फाइंड करने थे। नंबर ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपने क्या करा होगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक ब्लॉक ले लो, इसमें देखते हैं कितने ट्राइंगल्स हैं। ये देखिए ये वाला ब्लॉक है 1, 2। ठीक है, ये जो हमें दिख रहे हैं 3, 4, एक ये बड़ा ट्राइंगल 5, 6, छोटा 7, 8, मतलब एक इसमें आपके 4, 4, 4, 4, 16 ट्राइंगल्स हमें दिख गए। ठीक है, 4, 1, 2 बड़े वाले, ठीक है 3, 4 छोटे वाले, 4, 4, 16। अब अपने हमने देखना है क्या और बन रहा है, कोई और ट्राइंगल्स कैसे बन रहे हैं, ये 17, ठीक है 17, ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ये 18, ठीक है यहाँ से 19 और यहाँ से 20, यहाँ से 20 तो हमें दिख गए, 20 ट्राइंगल्स हमें दिख चुके हैं। एक बन रहा है ये वाला ट्राइंगल 21, एक ये बनेगा 22, 23, 24, ठीक है 24 हमें दिख चुके हैं, और कहां से ट्राइंगल बनेंगे जल्दी से देख के बताइए, 25 ये वाला, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32, इस तरीके से ये जो है 32 बनेंगे। आई होप ये सब दिख गए होंगे आपको ट्राइंगल। इसमें से कुछ भी पार्ट समझना है या फिर कोई भी आपको ऐसी फिगर है जो आपको समझना है, आप मेरे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सर को भेज दें, या फिर मुझे कमेंट में बता दें भी ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वाला क्वेश्चन, जैसे ये ट्राइंगल का है तो एक एक ट्राइंगल करके समझाऊंगी। ठीक है, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कितने 32 कैसे बने हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसमें फाइंड आपको करना है ऑड वन आउट, आपको इसमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। ये कैसे ऑड वन आउट करेंगे बताइए, 196, 226, 257, 290। अब इसमें प्लस माइनस स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ लग रहा है, या सम ऑफ डिजिट्स का सम देख लीजिए, पहले तो सम ऑफ डिजिट्स लगा लीजिए, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर आएगा, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ 11, यहाँ 14, यहाँ 10, यहाँ पर ये तो कोई पैटर्न नहीं बना,
फिर ऑड इवन का कुछ चक्का चल रहा है, नहीं चल रहा। अब देखिए ये जो 196 है ना, ये 14 का स्क्वायर है, ठीक है। 226 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और ना ही नियर बाय है, ऐसे ही 257 भी नहीं है और ना ही 290 है, तो ऑड वन आउट हो गया आपका 196। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा था आपका पेपर कटिंग का। पेपर कटिंग में क्या होता है, एक आपको पेपर दिया होता है, ठीक है, यू विल बी गिवन अ पेपर, आपको पेपर दिया होता है। एंड इसमें क्या होता है, जैसे आपने इधर से फोल्ड कर दिया, जैसे हमने बचपन में खूब नाव बनाई है ना, है ना, पानी के नाव बनाते थे, झंडे बनाते थे, तो किस तरीके से क्या करते थे, एक शीट दी गई है। अब ये शीट जो है यहाँ से फोल्ड हो गई, अब जब आपकी फोल्ड हो जाएगी ये वाली शीट, इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी आधी, तो इतनी बचेगी है ना, इतना पार्ट बचेगा उसका। अब ये वाला पार्ट बच गया और ये आपकी फोल्डेड शीट हो गई। अब क्या था, इसको भी हमने फोल्ड कर दिया, अब यहाँ से हमने इसको भी यहाँ से फोल्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ से फोल्ड लगा दिया, तो ये कितना पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा। अब यहाँ से हमने काट दिया ये तीन फिगर्स, इस तरीके से हमने तीन फिगर्स काट दी। अब जब ये पेपर खुलेगा तो किस तरीके से फॉर्मेशन दिखेगी, देखो जब ओपन होगा, अब यहाँ से पहले फोल्ड हुआ है तो फोल्ड पहले यहीं से ओपन होगा ना हमारा, यहाँ से फोल्ड ओपन हो, अब यहाँ पर जो कटिंग हुई यहाँ पर भी आ जाएगी, यहाँ जो कटिंग हुई वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ जो कटिंग हुई वो यहाँ आ जाएगी। अब यही पेपर पूरा फोल्ड होके, जो ये इधर वाला फोल्ड हो रखा था, अब ये पूरा खुलेगा इस डायरेक्शन में, जब हमारा पेपर इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा खुलेगा तो क्या होगा, ये ऐसे और एक ये वाले पेपर जो है ये यहाँ आ जाएगा, फिर एक ये यहाँ आ जाएगा, और ये ऐसे और ये ऐसे, और जब आपको ये वाली फिगर जो है अगर पेपर में दे रखी होगी तो ये आपका होगा आंसर, ठीक है, ये पेपर फोल्डिंग में आता है और आपको करेक्ट फिगर जो है अपनी पहचाननी होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है हिडन फिगर, इसमें बताइए ये जो फिगर है आपकी, ये वाली फिगर कहाँ पर हिडन है, कौन सी वाले आपकी फिगर में ये वाला जो पैटर्न है ये हिडन है, बताइए जरा देख के बताइए ढंग से, इसमें कहीं ये पैटर्न दिख रहा है इस टाइप का, ऐसे हमारा पैटर्न बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत दिमाग लगाने वाला है ये, बताइए कौन कहाँ पर आपको ये पैटर्न दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें क्या हमें पैटर्न मिलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर भी हमें पैटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर भी एक बार यहाँ चेक करते हैं, ऐसे देखिए ये हमें पैटर्न मिल गया है, ये वाला पैटर्न हमें यहाँ मिलेगा, देखो चेक करो, बिल्कुल ये पैटर्न हमें यहाँ मिल जाएगा, ये वाला जो है ये इस साइड में आपको ए में पैटर्न मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इसको आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, तो क्या था, एक्सीडेंट, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, इंजरी, एम्बुलेंस। सबसे पहले क्या होगा भाई, पहले क्या होगा, आपकी इंजरी होगी या एक्सीडेंट होगा, पहले कुछ तो गिरोगे तभी तो लगेगी ना चोट, गिरोगे तभी तो चोट लगेगी, या पहले चोट लगेगी फिर गिरोगे, तो मतलब पहले इंजरी, पहले गिरे होगे, ठीक है, पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, फिर आपको चोट लगी होगी, ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर क्या होगा, कोई एम्बुलेंस आई होगी आपको उठाने के लिए, तो तीसरे नंबर पे एम्बुलेंस आएगी, फिर वो कहाँ लेके जाएगी आपको, हॉस्पिटल में लेके जाएगी, ठीक है। तो पहला आपका आ जाएगा, पहला नंबर कौन सा होगा आपका, सॉरी, इंजरी, देन सॉरी, फर्स्ट विल बी एक्सीडेंट, देन देयर विल बी इंजरी, देन एम्बुलेंस विल कम, इट विल टेक यू टू हॉस्पिटल, एंड बट यू विल गेट इन हॉस्पिटल, यू विल गेट योर ट्रीटमेंट डन इन योर हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये आपका बनेगा एक लॉजिकल ऑर्डर। नाउ व्हाट इज दिस, इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, G15H, G15H, J21K, M-N, G का जो प्लेस वैल्यू है ये क्या होती है, बताइए जरा, सेवन, ठीक है, जी की आपकी प्लेस वैल्यू होती है 7 और इसकी 8, 8 + 7 कितना होता है 15, ठीक है, तो ये आपका यहाँ आ गया।
जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 10, के की 11, टोटल करके बना 21। एम की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, और एन की कितनी होती है बताओ, एम और एन की वैल्यू कितनी होती है? इजोटी वाला रूल कराया था, जे की वैल्यू 10 है, के एल एम मतलब 13 और 14, ठीक है, 13 प्लस 14, जो आपका दे रखा है 27, ठीक है। थर्टीन प्लस 14 27 आपका दे रखा था, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, वो आपको करने थे, ठीक है। नीचे आपका कुछ वैल्यू थी, तो आपका आंसर पी क्यू दे रखा होगा, पी एंड क्यू, और आंसर में होगा P33Q, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है आपका। देखिए मेरी जो स्लाइड्स है ना, ये हो गई है गायब, तो इस वजह से मैं अगर आगे जाऊंगी ना, तो सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरी हो जाएगी कैंसिल। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्या क्या जो है आपकी फिगर दे रखी। देखिए 55, ये नंबर सीरीज आपको दी हुई थी, 43, 59, 40, 63, 37, और आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना था। अब मुझे बताइए क्या होगा नेक्स्ट नंबर, 55, 43, 59, 40, 63 एंड 37। देखिए अब इसमें हमने स्क्वायर क्यूब देख लेना है, इवन ऑड देख लेना है, प्राइम कंपोजिट देख लेना है, कुछ अगर आपको दिखता है लगता हो तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस लेके देखेंगे। इसका डिफरेंस आ जाएगा 12, फिर 43 में -12 आएगा ये, ठीक है, -12। 43 में कितना ऐड करेंगे कि 59 आ जाए, +16 ऐड करेंगे। 59 में कितना माइनस करेंगे कि 40 आ जाए, -19 करेंगे। 40 में कितना प्लस करेंगे कि 63 आ जाए, 40 में +23 ऐड करेंगे, और 63 में माइनस करेंगे हम 26, जिसकी वजह से आ जाएगा हमारा 37। कोई पैटर्न मिला? अभी तक तो हमें मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे एक बार डबल डिफरेंस लेके देखते हैं, ठीक है, क्या पता हमारा डबल डिफरेंस से आ जाए। तो अब डबल डिफरेंस लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर हम इसका -12 प्लस 16 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, -19 प्लस 6 करेंगे, +16 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा आपके पास, -19 प्लस में 23 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है, -23 -26 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपको एक पैटर्न मिल गया है, +4 -3 +4 -3, तो नेक्स्ट विल बी +4, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका +4, -26 प्लस 4 ये आएगा 30। जब यहाँ पर 30 होगा ना, तब आपका यहाँ पर आंसर आएगा +4, ठीक है। अब यहाँ पर 30 क्या हुआ है, 30 होगा एड, +30 होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 67 विल बी योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एनालॉगी का, चलिए लिख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी का, 3:67, ठीक है, तो फिर 6:2 क्या बनेगा, 367 बन गया है तो 6 कितना बनेगा, अभी कैसे हुआ है मुझे बताइए, 3 से 67 कैसे बना होगा, क्या लग रहा है? थ्री से 67 कैसे बना होगा, देखो 3 प्लस 1 अगर आप कर लें तो आपका 4 आ जाएगा, 4 का क्यूब करो कितना होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 4 16, 16 4 64, और प्लस में 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 67, ठीक है। सिमिलरली 6 प्लस 1 करो जरा आप, 6 प्लस 1 7 होता है, 7 का क्यूब करो जरा कितना होता है, 343, 343 में ऐड कर दो 6, मतलब कि आपने इस नंबर में +1 करा है, उसका क्यूब करा है, और उसमें ये नंबर ऐड हो गया, ठीक है। इस सिमिलरली इसमें +1 हुआ, उसका क्यूब हुआ, प्लस में ये नंबर हो गया, तो आंसर विल बी 349। ये आपको ऑप्शंस में दे रखा होगा, अगर ऑप्शन में ये होगा तो आपको टिक करना था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए ये बताइए, ये था आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन,
कि आपकी यहाँ पर एक मिरर प्लेस कर दिया गया है, ठीक है, एक मिरर लगा दिया गया है। बताइए यहाँ किस टाइप की फिगर आपकी बनेगी और कैसी बनेगी, यहाँ पर फिगर कैसी होनी चाहिए अगर मिरर लग गया है यहाँ पर। तो देखो मिरर जब लगेगा तो ये वाला पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ये पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा ना सामने वाला, ये फिगर जो है टर्न इस तरीके से हो जाएगी, ये वाली सारा पोर्शन वही रहेगा, बस ये टर्न ऐसी हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन में ये वाला पार्ट था ना, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये है इसकी मिरर इमेज। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है, लिख लीजिए आप 19, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था जो आगे हमने मिस कर दिया है ना, 19, 20, 24, नेक्स्ट इज 51, 67, डैश ब्लैंक एंड देन कम्स 192। नाउ टेल मी कि इसमें हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि कितना इतना दूर तो नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, देन विल सी प्लस माइनस 1, 2, 3 करके कुछ आ जाए, देन विल सी ऑड एंड इवन का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो, देन विल सी स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो, नियर बाय स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट लग रहा हो, अगर ये सब भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं दिखते हो आ रहे, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1, इंटू 1 प्लस 1, ये तो बात की बात है, अगर हम ये भी नहीं लगा सकते तो हमने क्या करना है, देखना है कि डिफरेंस ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा नहीं है ना तो क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है, अगर मान लो नंबर ज्यादा पास दूर दूर नहीं है तो डिफरेंस ले सकते हैं हम इनका, ठीक है, यहाँ 1 है, इसका डिफरेंस आया 4, इसका डिफरेंस कितना आ गया आपका 27, इसका डिफरेंस आपका आएगा 67, ये आ जाएगा 6, 16, राइट, कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये बताओ, ये 1, इसको हम क्या है 1 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब क्या हो रहा है पैटर्न, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर एंड देन क्यूब आएगा, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125, आप इसमें 125 ऐड कर दो, ठीक है, 67 में 125 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 192 विल बी योर आंसर, ओके। चलो आगे चलते हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन है आपका। एनालॉगी सेज ग्लव्स इज टू हैंड, ठीक है, ग्लव्स इज टू हैंड, देन शूज इज टू, ग्लव्स अगर हैंड का है तो शूज का क्या होगा आपका, बताओ जरा, देखिए ग्लव्स कहाँ पहनते हो आप, हाथों में, ठीक है, सिमिलरली शूज कहाँ आप डालोगे, पैरों में, ठीक है, तो ये बनेगी इसकी एनालॉगी। अब दूसरा वर्ड है आपका डायबिटीज इज टू डिसीज, डायबिटीज एक डिसीज है, ठीक है, तो समर क्या है, समर एक सीजन है, तो ये एनालॉगी हो गई। फिर आपका क्या कहता है, 55, 43, 59, 40, 63, 37, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, करना क्या है, डिफरेंस ले लेना था, ये मैंने आपको करा दिए सारे क्वेश्चन, यहाँ पर आपको डिफरेंस लेना है, डिफरेंस आपका आएगा प्लस 12, माइनस 12, प्लस 16, ठीक है, ये माइनस 55 नहीं है, ठीक है, या माइनस 12, प्लस 16, माइनस 19, यहाँ पर डिफरेंस आपका आ जाएगा प्लस 23, माइनस में 26, इन दोनों का फिर से डिफरेंस ले लीजिए आप, फिर से डिफरेंस लेंगे आपका तो प्लस 4, माइनस 3, प्लस 4, माइनस 3, इस टाइप का आपका डिफरेंस आएगा और आगे आप उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस मैंने जितने भी क्वेश्चन है आपको करवा दिए हैं, जो बीच में हमारी 2 स्लाइड्स छूट गई हैं वो मैं जरूर आपको आगे। लॉजिकल वेन डायग्राम, आपका लॉजिकल वेन डायग्राम है, आप चलिए करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम, मेल फादर और इन्फेंट, क्या ये वेन डायग्राम ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, देखिए जो फादर है वो मेल ही होगा, मदर तो फादर बन ही जाएगी, है ना, तो जो फादर है आपका ये फादर है, ठीक है, ये मेल हो गया, ठीक है, फादर मेल हो गया, ठीक है, अब ये इन्फेंट है, इन्फेंट जो है वो भी तो मेल हो सकता है ना, जो बच्चा है वो भी तो मेल हो सकता है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये एक प्रॉपर फादर मेल और यहाँ पर आएगा इन्फेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉजिकल डायग्राम सही।
अब काउंट करने हैं आपको ट्राइंगल, 11 ट्राइंगल देखो क्या इसमें बन रहे हैं, 11 ट्राइंगल काउंट कर लीजिए, 1 2 छोटे ट्राइंगल्स के साथ देखते हैं, 3 4 5 ठीक है, 5 तो हमें दिख गए सामने सामने। अब देखिए और कोई दिख रहा है सबसे बड़ा, 6 6 हमें सामने सामने दिख गए हैं ठीक है, 6 ट्राइंगल्स हमारे हो गए हैं। ये देखिए अब ये कितना है हमारा, 7, ये हो जाएगा 8 ठीक है, 8 हो गए। अब देखिए क्या आपको और कोई ट्राइंगल दिख रहा है, अब इस पूरे को कंसिडर कर दिए, इस पूरे को कंसिडर करेंगे तो 9 ठीक है, इस पूरे को कंसिडर करेंगे 10 ठीक है, और इसको कंसिडर करेंगे हम 11, ये वाला जो है ट्राइंगल ये है आपका 11th ट्राइंगल ठीक है, तो टोटल 11 बनेंगे, आप खुद भी काउंट करके देख सकते हैं राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी से रिलेटेड है, तो एनालॉगी से क्या कहता है ये, कलर पेंटिंग इज टू कलर ठीक है, होमवर्क इज टू व्हाट। देखिए जो आप पेंटिंग करते हैं वो तो कलर से करते हैं ना, पेंटिंग में कलर्स होते हैं, तो होमवर्क किस चीज से करेंगे, इंक से होमवर्क करेंगे आप इंक में, तो इंक विल बी योर करेक्ट आंसर। लॉजिकल ऑर्डर अरेंजमेंट, कैसे इसको लॉजिकल उसमें लगाना था आपको, कंपटीशन प्राइज मार्क्स पार्टिसिपेट विनर, सबसे पहले क्या होगा एक कंपटीशन सेट होगा ठीक है, कंपटीशन सेट होगा फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस कंपटीशन में आपको, जब आप पार्टिसिपेट कर लोगे उस कंपटीशन में तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे है ना, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे, जब आप मार्क्स मिलेंगे आपको उसके बाद आपको मार्क्स मिलने के बाद आपको प्राइज मिलेगा है ना, प्राइज जब आपको मिल जाएगा तो जिसको प्राइज मिला वही विनर होगा, तो इस तरीके से ये बन जाएगा। नाउ आपका क्वेश्चन इज 3:67, तो 6:2 ये हमने कर लिया था आगे वाली स्लाइड में, तो 3:67। अब मुझे जल्दी से बताइए लास्ट में हमने जब ये क्वेश्चन करा था तो आपने मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो आपको आंसर आना चाहिए, तो 6:2 कितना बनेगा बताइए जल्दी से, कैसे किया था हमने ये बिना देखे बताइए, 3 + 1 4, 4 का क्यूब प्लस में 3 ठीक है, 6 + 1 7 ठीक है, 6 + 1 7, 7 का क्यूब प्लस में 6 ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन है, एनालॉगी कहती है आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन देने के लिए आपको एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ती है, सिमिलरली जब आप ट्रेन में जाएंगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, टिकट की ठीक है। अब यहाँ से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम आवर मिनट और सेकेंड, देखिए ये जो है ना आर मिनट और ए टाइम सेकंड, ये है यूनिट्स टाइम की ठीक है, टाइम में होता है ये आप, लेकिन टाइम इसमें ऑड वन आउट है ठीक है, आर भी है टाइम में आ जाता है, मिनट भी आता है और सेकंड में, लेकिन टाइम अपने खुद में वो है, तो टाइम इज ऑड वन आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये वाला, मैं आप ये क्वेश्चन मैं आपका ले चुकी हूँ, 19, 20, 24 ये हमने डिफरेंस लिया था, फिर डबल डिफरेंस लिया था, आगे स्लाइड आप जरूर देखिए आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका 27:6, 8:4, देन 64:2 व्हाट, 27:6, 27 हम देख सकते हैं 3 का क्यूब होता है ठीक है, अब ये होता है आपका 2 का क्यूब, ये 8 का क्यूब, ये तो हमें पता चल गया कि क्यूब का पैटर्न है आगे, लेकिन ये 6 कैसे आया है बताइए, ये 6 आपका कैसे आया बताओ, ये 3 का क्यूब 27 हो गया, अगर इंटू टू करेंगे, 3 × 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 8 2 का क्यूब हो जाएगा, 8 2 × 2 करेंगे, × 2 = 4, 8 8 = 64 ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे हमने, यहाँ क्या देखा देखो 3 का तो क्यूब करा है ठीक है, फिर आया 27, अब 3 को हमने एक कम से, ये जैसे 3 था ना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, पहले यहाँ पर क्यूब किया था अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, अब मतलब एक पावर कम करके हमने मल्टीप्लाई करा उस पावर के कम का, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर इज 64 ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 है, तो 8 × 1 करेंगे हम यहाँ पर, 8 8 इज योर आंसर ठीक है, 8 इज योर आंसर, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें 8 दे रखा होगा तो वो है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।